Next question. Question says two blocks of equal mass M are tied to each other through a light string. One of the block is pulled along the line joining them with a constant force F. Sawal hai, find the tension in the string joining the blocks. Now, simple sawal hai. Scenario ye hai ki ye aapka ek block jiska mass M, dusra ek block jiska mass aapka M aur is wale block ke upar aapne ek horizontal force aise laga rakha hai. Hame batana hai yahan pe tension T kitni hoegi. Now, is case mein frictionless surface hai, so let's assume yahan pe aapka A acceleration dono blocks ka hoga. सो अगर इस ब्लॉक की आप FBD लिखेंगे FBD बना के चलो पहले FBD बना लेते हैं इसके बाद इक्वेशन लिखेंगे तो इसका FBD सेज यहाँ पे तो आपका MG लग रहा है ऊपर आपका नॉर्मल लगेगा क्योंकि दोनों मोशन में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं ना ही हिंडर कर रहे हैं तो इनको हमें अकाउंट करने की ज़रूरत नहीं है और इस डायरेक्शन में आपका टी फोर्स लग रहा है और टोटल आपका एक्सेलरेशन ब्लॉक का ए इस तरफ है सो इम्प्लाइज वी कैन से इक्वेशन जो होगी सो वी कैन से टी हम अच्छा इक्वेशन हम लिख रहे हैं F net is equal to MA की सो इस पे ऊपर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में तो T will be equal to MA ये आपकी पहली इक्वेशन हम इसके लिए लिख सकते हैं नाउ इस ब्लॉक का अगर आप FBD बनाएंगे तो इस डायरेक्शन में आपका फोर्स F लगा इस डायरेक्शन में टेंशन T लगी टेंशन इज ऑलवेज पुलिंग तो हम ये थ्योरी में बात कर चुके हैं कि यहाँ बैठ जाएं और यहाँ से मकड़ी का जाला डालें तो इसके लिए टेंशन इस डायरेक्शन में होगी ठीक है और एम जी और नॉर्मल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे सो दे आर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द मोशन और दे आर नीदर हिंडरिंग इस डायरेक्शन में आपका ए एक्सेलेरेशन है तो इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं आप एफ माइनस टी विल बी इक्वल टू एम ए विच इम्प्लाइज आपका अगर हालांकि एक काम करते हैं यहाँ से टी की वैल्यू डाल के पहले एक्सेलेरेशन यह निकाल लेते हैं तो ये आ गया एफ माइनस एम ए इज इक्वल टू एम ए विच इम्प्लाइज एफ विल बी इक्वल टू टू एम ए विच इम्प्लाइज ए विल बी इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई टू एम इसको करने का एक और अच्छा तरीका अभी उस तक पहुँचते हैं तो ये आपकी ए की वैल्यू हो गई नाउ इसको अगर हम यहाँ इंसर्ट कर देंगे विच इम्प्लाइज आपकी टेंशन विल बी इक्वल टू एम मल्टीप्लाइड बाई एफ बाई टू एम विच इम्प्लाइज टेंशन टी विल बी इक्वल टू एफ बाई टू सो आपकी ये टेंशन आ गई नाउ इसी को अगर हम एक थोड़ा फर्दर स्लाइटली एडवांस कॉन्सेप्ट है कि अगर इसको हम ये माने कि दोनों ब्लॉक क्योंकि एक साथ मूव कर रहे हैं और इसी को अगर हम एक सिंगल ब्लॉक माने ठीक है सो इसको अगर हम सिंगल ब्लॉक कंसिडर करें सो हम इसको ये कहते हैं कि जब भी सारे ब्लॉक्स हैं उनका एक्सेलेरेशन एज अ वेक्टर क्वांटिटी अगर आपका सेम है इन दैट केस आप उसको एक सिंगल एंटिटी और सिंगल सिस्टम मान सकते हैं तो अगर इस पूरे ब्लॉक को अगर हम इधर एफ फोर्स लगा रहे हैं और ये एक्सेलेरेशन से जा रहा है तो उस केस में हम लिख सकते हैं हम कह सकते हैं कि एफ इज इक्वल टू 2ma, which implies acceleration a is equal to f by 2m. तो ये आपकी जो इक्वेशन यहाँ आई थी वो डायरेक्ट आपकी एक सिंगल सिस्टम मान के आ सकती है सो ये आपका एक्सेलेरेशन हो गया अब इसकी एक इक्वेशन लिख के यहाँ पे आप f की वैल्यू इंसर्ट करके t की फाइनल वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं सो इस केस में टेंशन विल बी इक्वल टू f बाई टू